सबको बारी बारी से स्वागत कराइए, आप जितना जल्दी हो सके सबको, जो भी नाम है मनोज जी है, मनोज जी अभी कराइए कराइए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों से लगातार जो है वो बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लोगों से वो बात कर रहा है। अभी हेलीपैड पे मैं मौजूद हूँ, वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से वो लोगों से एक एक करके बारी बारी से वो मिलने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, जो बक्सर 33 लोकसभा के प्रत्याशी, NDA समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी जो है मिथिलेश तिवारी, उनके प्रचार प्रसार में आए हुए थे और किस तरीके से उनके द्वारा जो है वो लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पे मौजूद है और वो जो है लोगों से मिल करके बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक टू एक लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार ऐसे कोई मुख्यमंत्री को देखा जा रहा है जो लोगों से मिल रहे हैं। अपना ही घर है ऐसा लगा। आनंद मिश्रा एक आए वापी के चेहरे, देखिए ये जो आनंद मिश्रा है, चुनाव का बाद मैं उसको असम लेके जाऊंगा फाइनली। तो सर 400 पार कैसे होगा? उसका कोई नहीं है, 2-3 हजार उनको वोट मिलेगा, उसको असम में लेके जाऊंगा और दोबारा यहाँ आएगा नहीं। 400 पार जनता का वोट से होगा, OBC को मिलेगा, मुसलमान को आरक्षण मिलने का कोई हक नहीं है। जिस तरीके से आपने मन से वादा किया सर कि शाम से मुख्यमंत्री जी, मैं बोला हूँ जो भी आना है माँ कामाख्या का दर्शन के लिए आइए, वहाँ देखभाल मैं करूँगा। लेकिन वो कह रहा है कि हमें रोकना है। अरे भैया देखिए लोगों से चोट लग जाएगा। वो समय अरविंद केजरीवाल के अंदर में ही था, इसीलिए केजरीवाल का को भी इंक्वायरी का दायरा में लाना सही है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस इसलिए शुभ है, उनको अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट से दिल्ली जीतना है। चुनाव के लिए वो लोग सब कुछ त्याग सकता है, उनका कोई नीति नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, चुनाव जीतने के लिए वो लोग सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप हिंदुत्ववादी नेता है, हिंदू मुसलमान कराने के लिए पहुंचे हैं, उसमें क्या आपत्ति है? वो तो कह रहे हैं। हाँ मैं खुशी हूँ, अच्छा है, उसमें क्या है? हमारा देश 5000 साल से ही हिंदू है, तो हिंदू के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है ना। 400 पार होगा, 400 पार जरूर होगा, हो चुका है। बक्सर के लिए क्या करना चाहते हैं? मिथिलेश जी को जिताना है। कितने वोटों से अंतर दिख रहा है? मतलब मिथिलेश जी को सब लोग वोट देना चाहिए जी।